ये आप देख सकते हैं मेरे पास में एक सैंडल पड़ी है। अभी सैंडल जो है यहाँ से इस तरीके कुछ डिजाइन वाली है ना, डिजाइन वाले सैंडलों में अक्सर ये होता है कि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखें है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे फट जाती है, ठीक है ये। और क्योंकि क्या आता है कि इसमें जो ज्यादा सपोर्ट नहीं होता है, इस वजह से जो है ये बारीक बारीक जो छोटी छोटी जो ये ज्वाइंट है ये सब खुलने लगती है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी चीज है, जहां जहां ये जो है ये मतलब मींस कमजोर है, थोड़ा सा पतला है ये, है ना, वहां हमें टेप का यूज करना है। जैसे मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी काट के रखा है इस तरीके से, जैसे मैं लगा के आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने टेप यूज करी ऐसा, इस तरीके से इसका एक शेप लिया, ठीक है। जहां से लेना है मैंने पूरा इसको जो टेप से कट किया, ठीक है, एज इट इज मैंने जो है अपोजिट साइड में लेदर का, हमको जो अपोजिट साइड लेना अंदर से, तो लेदर का या फिर रेगजिन का कोई सा भी जो टुकड़ा आप इसमें यूज कर सकते हैं, ये मैंने इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये मैंने करा है, इसकी कटिंग भी कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगेन इसको यहां से अंदर से भी जो है मैं इसमें टेप लगाऊंगा, ताकि ये अपनी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो बरोबर फिट हो जाए। ये मैंने लगाया, ठीक है। और इसके बाद फिर से ये अपनी जगह पे बिल्कुल एज इट इज, ताकि ये पूरा चिपका रहे, क्योंकि ये खुलेगा तो ये फिर आगे पीछे होगा, और आगे पीछे होगा तो आपको सही नहीं रहेगा। फिर मैंने छोटा सा टेप का टुकड़ा लिया, अगेन इस पे जहां जहां से कटा हुआ है ये, इसको मैंने फिर से चिपकाया, ठीक है। इस तरीके से मैंने जब इसको दोनों तरफ से चिपकाया, अब मैं क्या करूंगा, ये अंदर वाला टुकड़ा निकाला, ये हो गया लेदर पे, लेदर के टुकड़े पे मैंने जो बुल बॉन्ड है, फेविकॉल, ये लेदर चिपकाने के लिए बहुत बढ़िया एक सॉल्यूशन है, तो हमेशा से मैं जो ये यूज करता हूँ, इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अब मैंने जो है इस पे ये ग्लू लगा दिया, इसी के बाद एज इट इज मैंने इसकी अंदर वाली साइड पे भी इसको लगा देना। हम जो है इसमें जो एक बेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो अंदर का बेस होगा, बेस की वजह से जो इसमें अच्छी जो है ग्रिप बन जाए, अच्छी पकड़ बन जाए, ठीक है। अगर बेस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली इसकी जो है पकड़ अच्छी ही होगी। चीज है, छोटी सी प्रोसेस है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रखना है, तो ये लगभग जो है सूख चुका है थोड़ा सा, इसको 2 से 3 मिनट देना पड़ते हैं सूखने के लिए। अब हमें जो है इसको अपनी जगह पर, देखिए मैं दिखाता हूं, इस तरीके से उसको जो है प्लेस कर दें, तो ये लगभग जो है प्लेस हो चुका, ये मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। ये मैंने इसको फिक्स कर दिया, अब इसको जो है टेप को हम निकाल देंगे, ये हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब थोड़ा ये सूख जाएगा, इसके बाद हो जाएगा। देखिए ऑलरेडी मैंने इसके पहले यहां पर ऑलरेडी एक इसका ये जो पोर्शन है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा भी आप देख सकते हैं यहां से फटा हुआ था, तो मैंने इसमें भी जो है
मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरफ भी मैंने जो है ये लेदर की स्ट्रिप मैंने लगा रखी है ना, यहां से यहां तक की, ये क्योंकि यहां से यहां तक पूरा कटा हुआ था, ठीक है, तो इसमें भी एक लेदर की स्ट्रिप लगा दी है, और एज इट इज वहीं जो है मैंने इस तरफ भी एक लेदर की स्ट्रिप लगा दी है। अब ये बिल्कुल पहनने लायक हो चुका है, अब ये कटेगा फटेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इस टाइप से जो ये अलग अलग जो जाली वाले डिजाइन वाले जो सैंडल है या जूते हैं जूतियां हैं इसको आप अवॉइड करें, इसको ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि ये डिजाइन ज्यादा दिन चलती नहीं है, ज्यादा ड्यूरेबल रहती नहीं है, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसको इस तरीके से आप जो है घर पे ही आपके इस चीज को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।